क्या है पिंकी प्रॉमिस के पीछे का रहस्य, मिलेगा सबका जवाब। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स के अध्याय को। हमारे देश भारत में एक ऐसा बंदर भी मौजूद है जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है। असल में इस बंदर का नाम कलुआ है जो कि मिर्जापुर से बिलोंग करता है। अमेजिंग बात तो यह है कि इस बंदर को अल्कोहल की लत इस कदर लगी हुई है कि इसने अल्कोहल के नशे में ही एक शख्स की जान ले ली और साथ ही साथ लगभग 250 लोगों को इंजर्ड भी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बंदर अपने आसपास से गुजरने वाली महिलाओं को भी नशे में छेड़ने लगा था और यही कारण था जिसे चलते इस नशेड़ी बंदर को साल 2020 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि दहेज लेकर शादी करना हमारे देश भारत की बहुत बड़ी कुप्रथा है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही कुप्रथा गुजरात में एक समुदाय में जाकर बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है। असल में ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन गुजरात में मौजूद पाटीदार समाज में शादी करने के लिए लड़की के बजाय लड़कों को दहेज देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस समुदाय में सभी लोग अपनी लड़कियों की शादी सिर्फ उन्हीं लड़कों से करते हैं जिनका परिवार US या फिर कनाडा में सेटल होता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर उस NRI लड़के को इस समुदाय की किसी भी लड़की से शादी कर उसे कनाडा या फिर अमेरिका ले जाना है तो उसकी एवेज में उसी लड़की के घर वालों को दहेज के तौर पर काफी मोटी रकम देनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जापान और चाइना में बहुत बड़े स्केल पर एक ऐसे सूप को भी बनाकर तैयार किया जाता है जिसे वहाँ के सिर्फ अमीर लोग पी पाते हैं। असल में इस सूप को किसी और चीज से नहीं बल्कि स्नेक्स यानी सांप को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अजीब बात तो यह है कि इस सूप को जापान और चाइना में सिर्फ इसलिए पिया जाता है क्योंकि इससे इंसानी शरीर के जोड़ों के दर्द और ब्लड सर्कुलेशन में राहत मिलती है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस अजीब से सांप के सूप की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 1000 से 1500 के बीच में है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सिंगल चार्ज में ज्यादा दूरी ना तय कर पाना, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसकी वजह से विश्व की जानी मानी कंपनियां एक सिंगल चार्ज में किसी भी व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी तय कराने के लिए कैपेबल बना रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जापान इसी काम को साल 1950 में कर चुका था तो क्या आप मेरी बात को विश्वास करेंगे? जो कार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी साल 1950 में बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है कि ये कार उस समय पर सिर्फ एक सिंगल चार्ज में लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकती थी, जो कि प्रेजेंट डेट में हाईटेक से हाईटेक कार्स भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उस समय बैटरी से ज्यादा इजी पेट्रोल को घुमाना था, तो इसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी को उसी समय ड्रॉप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5, एक परफेक्ट फोटो खींचने के लिए एक अच्छा कैमरा होने के साथ साथ आपके हाथों का बैलेंस भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर किसी इंसान के हाथ पैर ही ना हो? मिलिए एकमेट जुल्कनैन से, जो कि इंडोनेशिया के एक फोटोग्राफर है। अमेजिंग बात यह है कि इनका जन्म कुछ इस तरीके से हुआ था कि इनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे के साथ सिर्फ फोटोग्राफी सीखी ही नहीं बल्कि आज भी इंडोनेशिया की सबसे पॉपुलर फोटोग्राफर्स में से भी एक फोटोग्राफर बन चुके हैं, जो कि अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ इंडोनेशिया में डिजोयल नाम की कंपनी भी चलाते हैं। फैक्ट नंबर 6, प्रेजेंट डे में फैशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाल ही में एक अमेरिकन आर्टिस्ट शेर रोज अपनी क्वाइन ड्रेस को लेकर चर्चा में आ गई है। असल में इन्होंने कुछ इस तरीके की ड्रेस बनाई है जिसमें 2652 क्वाइंस का इस्तेमाल किया गया है। इनकी ये ड्रेस रातों ही रात फेमस हो गई, और ये ही नहीं इनकी इस ड्रेस को देख कर इन्हें 3 दिन के अंदर ही 4000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए। आज का आखिरी फैक्ट नंबर 7, प्रेजेंट डेट में आपने बहुत से लोगों को और स्पेशली लड़कियों को पिंकी प्रॉमिस करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन एक बात जो हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो यह है, भले पिंकी प्रॉमिस दिखने में काफी ज्यादा हल्का सा लगता हो, लेकिन इसका इतिहास उतना ही ज्यादा डरावना है। असल में इस तरीके की प्रॉमिस की शुरुआत साल 1600 के आसपास जापान में ही की गई थी, जिसमें लोग कुछ इस तरीके से अपनी पिंकी प्रॉमिस को एक दूसरे के साथ अटैच करके कोई भी प्रॉमिस किया करते थे। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अगर उस समय दोनों ही शख्स में से कोई एक शख्स वो प्रॉमिस तोड़ देता है
तो उस प्रॉमिस को तोड़ने के साथ साथ उसकी पिंकी फिंगर को भी काट दिया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस प्रॉमिस को पिंकी प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से पिंकी प्रॉमिस करते हैं तो उसका इतिहास जरूर याद कर लीजिए। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।